आज बहुत जगह बताते हैं साहब, कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो मुख्यमंत्री जी के पद पे रहा हूँ, आज इस पद पर भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे हम, जब अलग हुए तो हमको वो कमीशनखोरी छोड़कर जीरो पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज जाता था, जल निगम है, जल संस्थान, सड़क है, फलाना है, अलाना है, सुनते थे 2%, 3%, 20% कहे भी। हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य हुआ। नीचे जाने के लिए ऊपर ही चलते हैं। अरे मैं इस बात को मैं बार बार भी कहता हूँ और कहा भी मैंने, और इसके लिए मैं किसी को दोषी ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति तो दोषी नहीं नहीं है, है, एक व्यक्ति ये दोषी मैं नहीं कहूँ है। साहब कोई, तो ये मानसिकता है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यह मेरा प्रदेश है, यह मेरा परिवार है, यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि को भी सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि बच नहीं सकता। जिस भ्रष्टाचार की बात आपने की है, हम अधिकारी को तो दंडित कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पीछे कौन था? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी, तो ये दोनों ही उतने दोषी हैं जितना एक बराबर।